أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنحر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة رب بك فحدث صدق الله العظيم ما شاء الله عظيم भाई बता ما شاء الله दरवाजे नहीं थी पढ़नी किधर गया वो है बेटा बुला ले उसे अहमद रजा अभी ना शरीफ सुनाई आज पढ़नी है sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habibullah sallallahu alayka ya चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले बदो बर भी बरसा दे बरसाने वाले मेरा दिल भी का दे चमकाने वाले चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा खाने वाले के रास्ते में है जा बजा खाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे
तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मदीने के गीते हुदा तुझको रखे, मदीने के गीते हुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आ ना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहा तूने देखे हैं चंद्राने वाले, कहा तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चमके तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. सरकार दो आलम शाह आदम बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत बरकतें हैं। अकैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो, मुज़य्यन किया करो। तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़ियामत तुम्हारे लिए नूर होगा। तो पता चला कि वो मजलिस, वो महफिल
कि जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ा जाए तो दुरूद पढ़ने से वो महफिल और ज्यादा खूबसूरत हो जाया करती। एक मरतबा मिलकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हम सब यहाँ पर माहाना ग्यारहवीं शरीफ की महफिल में शरीक हैं और आज के दिन की मुनासबत यूं भी है कि आज हमने हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान के हवाले से भी ये महफिल सजाई है। अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक में सबसे अफजल हस्तियाँ अल्लाह तबारक व ताला ने अम्बिया की हस्तियाँ बनाई हैं, फिर अम्बिया में सबसे अफजल अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। ये अल्लाह ताला का हम सब पर बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम नबियों को जो असहाब अता फरमाए हैं, जो मानने वाले अता फरमाए हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को भी सहाबा अता फरमाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो सहाबाए कराम हैं ये तमाम नबियों के सहाबा से अफजल हस्तियां हैं। ये सारी नस्बतें आप जोड़ेंगे तो बात हुजूर अलैहिस्सलाम पर जाकर खत्म होती है। ये सारी फजीलतें हुजूर अलैहिस्सलाम की नस्बत की बदौलत हैं। सारे असहाब के अंदर जितने भी नबियों के असहाब हैं सारे सहाबा में नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा हैं ये सबसे अफजल हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के अंदर चार हस्तियां जिनको खुलाफाए अरबा कहा जाता है, ये चार हस्तियां सबसे अफजल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में फिर सबसे अफजल उम्मत के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं। दूसरे नंबर पर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और चौथे नंबर पर अफजल हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं। तो ये चारों मुकद्दस हस्तियां हैं, इनके दरमियान अफजलियत की तरतीब ऐसे ही है जैसे मैंने आपके सामने इनके नाम लिए। 18 ज़िलहज्जतुल हराम जुमातुल मुबारक का दिन, हिजरत का 35वां साल, अल्लाह तबारक व ताला की महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के महबूब सहाबी हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। ये खलीफा सोम हैं और नाम आपका उस्मान है। तारीख़दान लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी उस्मान ही रहा। हाँ, आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है और आपके लकब बड़े प्यारे हैं, मुख्तलिफ अलकाबात आपके हैं जिनसे आप मशहूर हैं। जैसे आपको जामिउल कुरान कहा जाता है, आपको कामिलुल हयाई वल ईमान कहा जाता है, आपको जुल हिजरतेन कहा जाता है, आपको जुल बिशारतेन कहा जाता है, आपको जुल नूरेन कहा जाता है। मुकद्दस अलकाबात हैं आपके, प्यारे अलकाबात हैं आपके।
और आपकी जो अलकाबात हैं उन्हीं अलकाबात से ही आपकी शान जाहिर होती है। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलकाबात जो हैं उनमें से चंद लकब जो हैं उनकी तशरीह या उनकी वजाहत यूँ समझ लें इंशाअल्लाह सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तीन लकब ज़ुन्नूरैन, ज़ुल्हिजरतैन, ज़ुल्बिशारतैन। इनके शुरू में ज़ू आता है, ज़ू, इसको ज़ा भी पढ़ा जाता है, ज़ी भी पढ़ा जाता है और ज़ू भी पढ़ा जाता है अरबी ग्रामर के एतबार से। यानी यूं भी कह सकते हैं ज़ुन्नूरैन भी ठीक है, ज़न्नूरैन भी ठीक है और ज़िन्नूरैन भी ठीक है। तो ये तीनों हालतें एराब की हालतों के एतबार से मुख्तलिफ लफ्ज करके पढ़ी जाती हैं। तो ज़ुन्नूरैन कह लें, ज़न्नूरैन कह लें या ज़िन्नूरैन कह लें, तीन लकब आपके ऐसे हैं जिनके अंदर ये ज़ू का लफ्ज आता है, ज़ुन्नूरैन, ज़ुल्हिजरतैन, ज़ुल्बिशारतैन। ज़ू का माना होता है साहिब, साहिबुन्नूरैन, साहिबुल हिजरतैन, साहिबुल बिशारतैन। ज़ू का माना वाला भी होता है, ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला, ज़ुल हिजरतैन, दो हिजरतें करने वाला, ज़िल बिशारतैन, वो हस्ती के जिनको दो मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम से जन्नत की बिशारत अता की गई हो। सबसे पहले जो आपके लकब पर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा, बड़ा प्यारा लकब है, वो लकब है ज़ुन्नूरैन। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लकब है ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला। ये दो नूरों वाला ज़ुन्नूरैन आपका लकब किस वजह से है, सबब क्या है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने चार शहजादियां अता फरमाई। बोलिए कितनी शहजादियां? चार शहजादियां। एक का नाम हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा, एक का नाम हजरत रुकैया रदियल्लाहु अन्हा, एक का नाम हजरत उम्मे कुलथूम रदियल्लाहु अन्हा और एक का नाम हजरत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा। चार शहजादियां अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। उन चार में से दो साहबजादियां शहजादियां ऐसी हैं कि जो एक के बाद एक, यानी एक के विसाल इंतकाल के बाद दूसरी, जो यके बाद दीगरे, एक के बाद एक हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह में आई है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दो नूर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के दो नूर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से, एक के बाद दूसरा नूर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आया, इस वजह से आपको ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों वाला कहा जाता। अच्छा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक शहजादी हजरत बीबी रुकैया रदियल्लाहु अन्हा, पहले आपका निकाह हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ, फिर आपने विसाल फरमाया, तो आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा का निकाह भी हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। यहाँ एक बात सोचने वाली है, एक बात इंतहाई गौर तलब है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी इस बात को लिखा। आप फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई शख्स ऐसा नहीं गुजरा कि जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे आई हो। पूरी कायनात के अंदर अगर ये वाला शर्फ किसी को हासिल है तो ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्फ अता फरमाया। ये वाहिद हैं इस शर्फ के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम की दो बेटियां यके बाद दीगरे आपके निकाह में आई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये निकाह फरमाए
और यहां पर एक और बात भी बड़ी गौर तलब है, हम जब अपनी बेटी का निकाह किसी से करना चाहें तो उसके औसाफ को चेक करते हैं या नहीं चेक करते, कितना गौर करते हैं? बेटी का मामला है, नाजुक मामला है, निकाह करना है, पूरी जिंदगी का मामला है, तो कितनी छानबीन करके अपनी तरफ से सबसे आला सिफात का जो शख्स होता है उससे अपनी बेटी का निकाह करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी दो शहजादियों का निकाह एक के बाद एक जिस हस्ती से किया है, आप जरा अंदाजा लगाएं उस हस्ती का मकाम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बेटी का निकाह फरमाया, फिर उनका विसाल हुआ तो वो इस कदर आला शान वाले थे उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी बेटी का निकाह भी आपसे फरमा दिया। और आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, असदुल गाबा के अंदर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहां दुनिया का मामला हमारे मामलात बिल्कुल अलग है, हमारे यहां तो किसी से अपनी बेटी का निकाह कर दिया जाए ना तो कुछ अरसा गुजर जाए ना तो उससे पूछा जाए हाँ अगर इस बेटी के साथ कोई मामला हो गया तो दूसरी बेटी दोगे, वो कहेगा पहली देगी फंसे हुए भाई, सही है। इस तरह के मामलात यहां दुनियावी मामलात हम लोगों के मामलात ऐसे होते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या क्या बयान फरमाई। एक बेटी का निकाह हुआ, उनका विसाल हुआ, आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया, फिर उनका भी विसाल हो गया। तो असदुल गाबा के अंदर है, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ काना ली अरबाउना बिन्तन, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं एक के बाद एक करके हर एक का निकाह उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु से करता रहता। ईशान है हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपको दुन्नूरैन, दो नूरों वाला, इस वजह से कहा जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर के दो नूर आपको अता किए गए। अच्छा, ये जो लकब है ना दुन्नूरैन, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की क्या शान है, इसको हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजजा कह लें या हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामत कह लें, कि कैसी शान है हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की, वो लोग कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम को नूर नहीं मानते, नूर नहीं मानते, उनकी जान जाती है हुजूर अलैहिस्सलाम को नूर मानते हुए, वो लोग जो हुजूर अलैहिस्सलाम को नूर नहीं मानते वो भी हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस लकब को मानते हैं कि वो जुन्नूरैन है। ये कैसी शान है, और जुन्नूरैन किस वजह से, कि आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां एक के बाद एक हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह में आई हैं, फिर आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप यहां पर बोले ना, कमाल आपने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, बल्कि इसको तरन्नुम में पढ़ लेते हैं क्योंकि सारे सभी आप सभी को ये अशआर आती होंगी। आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम ही नूर नहीं है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें ये अकीदा दिया है कि आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ले पाक के अंदर बच्चा बच्चा नूर का है। हुजूर अलैहिस्सलाम भी नूर, हुजूर अलैहिस्सलाम की आल भी नूर है, और हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको
नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान वानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन दो नूरों वाले, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपकी हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। हजरत उस्मान वानी रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक और लकब है, आपको कामिरुल हया कहा जाता है। हया ये बड़ा प्यारा लकब है, कामिल हया वाले। आपकी हया कैसी थी वो ज़रा समाअत कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, तारीख़ दमिश्क के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अल हया मिन अल ईमान व अहया उम्मती उस्मान। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हया ईमान में से है और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा हयादार शख्स वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे बढ़कर हया करने वाले। और ये कैसे हया करने वाले हैं, कैसे हयादार हैं, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा, आप रिवायत करती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आप रिवायत करती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तजिअन फी बैतिहि काशिफन अन फखिदैहि औ साक़ैहि। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने काशाने अक़दस के अंदर तशरीफ फरमा थे और तकरीबन लेटे हुए थे, तकरीबन लेटे हुए थे, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक से कपड़ा कुछ हटा हुआ था। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ये बयान फरमाती हैं, इस कैफियत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने काशाने अक़दस के अंदर आराम फरमा रहे हैं, तकरीबन लेटे हुए हैं और पिंडली से कपड़ा कुछ हटा हुआ है। इतने में फस्तअज़ना अबू बकरिन, इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले आए और आपने अंदर आने की इजाज़त मांगी। फ़अदीना लहू, आकाइदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त अता फरमाई। वहुवा अला तिल्कल हाल, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वैसे ही लेटे रहे, पिंडलियों से कपड़ा हटा रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त मांगी, इजाज़त दे दी गई, आप अंदर तशरीफ़ लाए। फतहद्दथा, आपने जो भी गुफ्तगू करनी थी वो गुफ्तगू की। फिर सुम्मस्तअज़ना उमर, फिर हज़रत फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले आए और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अंदर आने की इजाज़त मांगी। फ़अदीना लहू, आकाइदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इजाज़त दे दी। वहुवा कदालिक, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसी तरह लेटे हुए हैं और पिंडलियों से कपड़ा हटा हुआ है। फतहद्दथा, उन्होंने भी आकर कुछ गुफ्तगू की। सुम्मस्तअज़ना उस्मान, फिर दरवाजे पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, आकाइदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त तलब फरमाई। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा आप फरमाती हैं, फजालसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाइदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बैठ गए। वसबा थियाबहु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमाया। फलम्मा खराजा, फिर जब ये तीनों हजरात तशरीफ ले गए, अब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने देखा ना सारा मामला कि हज़रत बकर सिद्दीक भी आए, फारूक आज़म भी आए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोई तकल्लुफ़ नहीं फरमाया, आकाइदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही लेटे रहे, पिंडली मुबारक से कुछ कपड़ा हटा रहा, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फौरन बैठ गए, अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया। तो ये क्या माजरा है, इसके अंदर हिकमत क्या है। कालत आयशा, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा आप फरमाती हैं कि अर्ज की मैंने, दखल अबू बकरिन फलम तहतश्शा लहू वलम तुबाली। हज़रत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ये तशरीफ लाए तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कोई परवाह नहीं फरमाई, कपड़ों को दुरुस्त नहीं फरमाया, कोई तकल्लुफ नहीं फरमाया। सुम्मा दखल उमर, फिर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। फलम तहतश्शा लहू वलम थियाबी, आपने कोई तकल्लुफ नहीं फरमाया, कपड़ों को दुरुस्त नहीं फरमाया, अपनी हालत पर ही रहे। सुम्मा दखल उस्मान,
लेकिन जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ लाए तो फजलस्ता वसवईता, तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने देखा है जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए हैं तो आप सीधे होकर बैठ गए हैं और अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया है, इसकी क्या वजह है? आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हया को बयान फरमाया। हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, अला अस्तहयी मिन रजुलिन यस्तहयी मिनहुल मलाइका, ए आयशा क्या मैं ऐसे शख्स से हया न करूं जिससे आसमानों के फरिश्ते भी हया किया करते हैं? और वो हस्ती कौन है? वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती कि जिनसे फरिश्ते भी हया फरमाते, आप ऐसे हया वाले हैं। और फिर हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इसके हाशिए में चंद बातें लिखी हैं, थोड़ी बात क्लियर करते चलें कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ फरमा थे तो हजरत बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, आका अलैहिस्सलाम वैसे ही तशरीफ फरमा रहे, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम वैसे ही तशरीफ फरमा रहे, कोई तकल्लुफ नहीं फरमाया। तो आप फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इन दो यारों से जो यारी थी ना, वो बेतकल्लुफ यारी थी और इनका कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना जाना था। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो ताल्लुक था वो चूंकि बहुत ज्यादा हया फरमाते थे, और एक रिवायत के अंदर यह भी है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि इस कदर हया फरमाते, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये हया चूंकि शर्म बहुत ज्यादा करते हैं, अगर मैं ऐसे ही लेटा रहता और ये आ जाते तो ये अपनी बात भी पूरी ना कर पाते जो गुफ्तगू करने आए हैं, तो इनकी हया का लिहाज करते हुए मैं सीधा होकर बैठ गया और मैंने अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया। तो हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के आने पर जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकल्लुफ ना फरमाया, उसकी वजह यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से दोस्ती और मोहब्बत ऐसी है जिसको हम बेतकल्लुफ दोस्ती कह सकते हैं, जिसको बेतकल्लुफ यारी कह सकते हैं। और ये वो हजरात हैं जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक्सर हाजिर रहा करते थे। तो ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हया का आलम है कि आपको कामिलुल हया कहा जाता है, कामिल हया वाले। और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हया ईमान से है और उस्मान इस उम्मत में सबसे ज्यादा हया वाले हैं, सबसे बढ़कर हया करने वाले। फिर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मशहूर सहाबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका एक लकब है ज़ुल बिशारतैन, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो मरतबा जन्नत की बशारत हासिल करने वाले सहाबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इश्तरा उस्मान, बल्कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने अल-जन्नत मर्रतैन दो मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम से जन्नत को खरीदा, दो मर्तबा, एक मर्तबा यौम बिरी रूमा, एक मर्तबा उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम से जन्नत को खरीदा कि जिस दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बिरे रूमा को, रूमा के कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया, और दूसरा वो दिन था वयौम जैशिल उसरा, और दूसरा वो दिन था जब ग़ज़वा तबूक के अंदर मुसलमानों को शदीद हाजत थी साजो सामान की, तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना माल पेश किया। तो दो मकामात ऐसे हैं कि दो मकामात पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दो मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम से जन्नत को खरीदा। यहां पर एक और बात काबिले गौर है कि खरीदने वाले कौन हैं? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बेचने वाले कौन हैं? आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेचा किस चीज को जा रहा है? जन्नत को। जन्नत बेची जा रही है, बेचने वाले हुजूर अलैहिस्सलाम, खरीदने वाले उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। बताइए जन्नत किसकी है? अल्लाह की। बेच कौन रहे हैं?
हुजूर अलैहिस्सलाम हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो अहदीस हैं ये सिर्फ अहले सुन्नत बयान कर सकते हैं, जिनका ये अकीदा है, ये नजरिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खजानों की चाबियां हुजूर अलैहिस्सलाम के कब्जे के अंदर दे दी हैं, ये सिर्फ वही शाने बयान कर सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास अगर मिल्कियत नहीं है जन्नत की तो फिर जन्नत बेच कैसे सकते हैं। आप बताएं, अगर आपके पास किसी मकान की मिल्कियत ना हो, आप मालिक ना हो, आप किसी का मकान बेच सकते हैं? नहीं। कोई आपसे वो मकान खरीद सकता है? नहीं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम बेच रहे हैं, उस्माने गनी रजी अल्लाह ताला ने खरीद रहे हैं, तो पता चला अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत बनाई है, तैयार की है और हुजूर अलैहिस्सलाम को उसका मालिक बना दिया है। और अकीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे मालिक बना दिया करते हैं। अकीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मरतबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने जब जन्नत खरीदी, वो मकाम कौन सा था? मजमा ज़वाइद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि अकीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब हिजरत करके ना मदीना तय्यबा आए, तो रिवायत के अंदर है लम्मा कदीम अल मुहाजिरून अल मदीना था, जब मुहाजिर सहाबा कराम मदीना तय्यबा हिजरत करके तशरीफ लाए, इस्तनकरुल माअ, पानी की किल्लत हो गई, शदीद हाजत हुई मुसलमानों को पानी की, वकानत लिराजुलिन मिन बनी गफ्फार ऐनुन, बनो गफ्फार का एक शख्स था, उसका एक कुआं था और वही एक कुआं ऐसा था कि युकालु लहू रूमा, जिस कुएं का नाम रूमा था, बीरे रूमा, रूमा का कुआं। वो शख्स क्या करता? वकाना यबीउ मिन्हा अल्कुर्बता बिमुद्दीन, वो एक मिशकीजा भी अगर किसी को बेचता ना पानी का तो बड़ा महंगा बेचा करता। अब सहाबे कराम हिजरत करके मदीना तय्यबा आ गए हैं, पानी खरीदना पड़ता है और पानी भी बड़ा महंगे दामों थोड़ा सा पानी मिलता है, तो मुसलमानों को पानी की हाजत पड़ गई, पानी की जरूरत पड़ी। आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब मामला पहुंचा ना, मुसलमानों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि पानी खरीदना पड़ता है, एक ही कुआं है रूमा का कुआं और उसका जो मालिक है वो पानी बड़ा महंगा बेचता है, बड़ी मुश्किल है। आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं के मालिक को बुला लिया, डायरेक्ट बुला लिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुएं के मालिक को बुलवाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको इरशाद फरमाया, बिअनीहा, ये जो कुआं है ये मुझे बेच दो, ये मुझे बेच दो, रेट क्या लगेगा, यानी इसके बदले में उसे मिलेगा क्या बेचने वाले को? आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिअइनिन फिल जन्ना, इसके बदले में जन्नत में एक चश्मा देने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, ये कुआं तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें जन्नत में एक चश्मा देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये याद रहे कि जन्नत के चश्मे की बात हो रही और ये दुनिया का कुआं है, जन्नत की नेमतें सुभान अल्लाह, तो जिसकी प्रॉपर्टी जन्नत के अंदर होगी, जिसका कुआं जिसका चश्मा जन्नत के अंदर होगा, वो खुद जन्नत से बाहर तो नहीं होगा, वो खुद भी जन्नत के अंदर होगा। तो गोया के ये ऑफर दी जा रही है कि ये कुआं दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत भी देते हैं और जन्नत का चश्मा भी देते हैं। तो वाकई आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट उस शख्स को बुला दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिअनीहा बिअइनिन फिल जन्ना, कि ये कुआं मुझे बेच दो और इसके बदले में जन्नत में एक चश्मा मुझसे खरीद लो। अब आप जानते हैं कि ये वक्त वक्त की बात होती है, मुकद्दर की बात होती है, जिसका मुकद्दर जागा हुआ हो उसे बात जल्दी समझ आ जाती है। तो आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी ऑफर पेश की, वो शख्स कहने लगा, फ़क़ाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा ली वला ली अयाली गैरुहा वला अस्ततीउ ज़ालिका, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा और मेरे घर वालों का गुजारा
इसी कुएं की कमाई पर होता है। मेरे पास और कुछ है नहीं, मैं इसको बेच नहीं सकता, मना कर दिया। आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुआं बेचने से जब उस शख्स ने इनकार किया कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरा गुजर बसर इसी कुएं पर होता है, लिहाजा मैं बेच नहीं सकता, ये बात इधर हुई। فبلغ ذلك عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سارا معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں کے مالک سے یوں ڈیل کی تھی لیکن اس نے کنواں بیچا نہیں, مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے, اور بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ایک چشمہ دینے کا وعدہ فرمایا تھا لیکن اس نے کنواں نہیں بیچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے مالک کے پاس چلے گئے اور جا کر اس سے کنواں خریدنے کی بات کی, اور کتنے میں خریدا؟ راوی لکھتے ہیں فاشتراها بخمسة وثلاثين الف درہم, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم دے کر وہ کنواں خرید لیا, بہت بڑی قیمت ادا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں بئر رومہ وہ خرید لیا۔ اب جب خرید لیا نا, مالک ہو گئے, ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کنواں خریدنے کے بعد نا عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, فقال, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ یوں پکارا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتجعل لی مثل الذی جعلته له عینا فی الجنہ ان اشتریتها, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بات سنی تھی آپ نے ایک آفر دی تھی اس کنویں والے کو کہ کنواں مجھے بیچ دو اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں ایک چشمہ دیتا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا وہی والی آفر مجھے بھی مل سکتی ہے, مجھے بھی جنت کے اندر چشمہ عطا ہوگا؟ یہ کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو عقیدہ تھا آج اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ اہل سنت کے پاس ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے مالک ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اس دنیا والے کنویں کے بدلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر چشمہ عطا فرما سکتے, یہ یقین تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتجعل لی مثل الذی جعلته له عینا فی الجنہ ان اشتریتها, یا رسول اللہ اگر وہ کنواں وہ میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا بدلے میں مجھے بھی جنت کے اندر چشمہ عطا ہوگا؟ اب عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ مالک کونین ہیں, مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, تو دو جہاں کی نعمتیں اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن ہاتھ اپنے بظاہر خالی رکھتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی کہ مجھے بھی جنت میں چشمہ عطا ہوگا, عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جنت میں چشمہ ہم دیتے ہیں۔ عرض کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشتریتها, عرض کی قد اشتریتها, میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے, آپ گواہ ہو جائیں, وجعلتها للمسلمین, اور میں نے وہ کنواں مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جنت خریدی, یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا سودا فرمایا, اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے جو آج سنی اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں باتیں,
कि हुजूर अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अपने हाल का पता नहीं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये देखिए रिवायतों के अंदर क्या आ रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम तो जन्नत तकसीम फरमा रहे हैं, जन्नत बेच रहे हैं, सहाबा जन्नत खरीद रहे हैं। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला मौका ये था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जन्नत खरीदी। एक और मौका, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम को खुश कर दिया, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है मजमू ज़वाइद के अंदर कि सहाबा बयान करते हैं, कुन्ना मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ग़ज़वातिन। मैं जल्दी से ये रिवायत बयान करता हूँ, वक्त कम है। सहाबा बयान करते हैं कि एक मरतबा किसी गजबे में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, फ़असाबन नासा जहदुन, तो मुसलमानों को शदीद भूख की शिकायत हुई, खाने के लिए खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, शदीद भूख लग गई। हत्ता रअयतुल काबता फी वजूहिल मुस्लिमीन वल फरहा फी वजूहिल मुनाफिकीन। अब मुनाफिक भी थे और मुसलमान भी थे, मुसलमानों के चेहरे पर भूख के आसार वाजे नजर आ रहे थे। ये याद रहे कि सहाबा किराम ने यूं जंगें लड़ी हैं, यूं इस्लाम की खिदमत की है कि एक ही खजूर पर कई कई दिन गुजारा किया है, एक खजूर पर कई कई दिन गुजारा किया है। और ऐसा भी होता था कि खजूर खा लेने के बाद गुठली फेंकते नहीं थे, बल्कि उस गुठली को अपने पास रख लिया करते थे और जब दोबारा भूख लगती थी उसी गुठली को मुंह के अंदर रखकर पानी पी लिया करते थे, उससे कुछ मिठास हासिल हो जाया करती थी। सहाबे कराम की कैफियत ये है, इस तरह आपने दीन की कुर्बानियां दी हैं। तो सहाबे कराम अलैहिम रिदवान के चेहरों से भूख के आसार नजर आ रहे थे और मुनाफिकीन के चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी, वो खुश हो रहे थे कि देखो कलिमा पढ़कर फंस गए हैं, वो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे और सहाबा कराम मुसलमानों के चेहरों पर भूख के आसार थे। फलम्मा रआ ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मामला देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की कैफियात को मुलाहजा फरमाया कि शदीद भूख से उनके चेहरे निढाल हैं और मुनाफिकीन खुश हो रहे हैं, तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर दी। क्या दी? गैब की, मुस्तकबिल की बात की। मैंने बताया ये जो अहादीस है, जो रिवायतें मैं बयान कर रहा हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अहले सुन्नत को ये मौका अता फरमाया है, सिर्फ वही ये अकायद, ये नजरियात, ये रिवायतें बयान कर सकते हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों की ये कैफियत मुलाहजा फरमाई, काला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, वल्लाही ला तगीबु शम्सु हत्ता यातियकुमुल्लाहु बिरिज़्क़िन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम सूरज गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पास तुम्हारा रिस्क पहुंचा देगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खा ली, गैब की खबर दी, मुस्तकबिल की खबर, रिस्क आएगा सूरज गुरूब होने से पहले पहले आएगा। सूरज की क्या मजाल के रिस्क आने से पहले गुरूब होके दिखाए। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाही ला तगीबु शम्सु हत्ता यातियकुमुल्लाहु बिरिज़्क़िन, अल्लाह की कसम सूरज गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क का इंतजाम फरमा देगा, तुम्हारे पास रिस्क आ जाएगा। फअलिमा उस्मान अन्नल्लाह व रसूलहु सयस्दुकान। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को यकीन था कि अब चूंकि बात हो गई है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया है कि सूरज गुरूब होने से पहले रिस्क पहुंच आएगा, तो अल्लाह और रसूल की बात झूठी तो हो नहीं सकती, तो बात पक्की है, सूरज गुरूब होने से पहले मुसलमानों को खाना मिल जाएगा, ये बात पक्की है, सच्ची है। सहाबा के ये अकीदे और ये नजरिए थे। आज का कोई होता, कोई नया दीन पेश करने वाला, वो कहता है जी इनको कहाँ खबर, इनको कहाँ पता, इनको कैसे पता कि सूरज गुरूब होने से पहले खाना पहुंचाएगा, क्योंकि गैब की खबर तो ये नऊज़ु बिल्लाह, लोग कहते हैं ना गैब की खबर नहीं जानते, मुस्तकबिल का इनको पता नहीं, तो ये देखो मुस्तकबिल की खबर है या नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम कसम इरशाद फरमा रहे कि अल्लाह की कसम सूरज गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिज़्क़ का इंतजाम फरमा देगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाती हैं कि अन्नल्लाह व रसूलहु सयस्दुकान, अल्लाह और उसका रसूल
सच्चे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात भी सच्ची है, लेकिन मुझे कुछ बढ़ के करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने माल दिया था, बड़े मालदार थे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में आता है, फश्तरा उस्मान 14 राहिलतन बिमा अलैहा मिन अत्तआम। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 14 ऊंट बमा साजो सामान के, खाने के लदे हुए 14 ऊंट हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद लिए, और खरीदने के बाद फवज्जहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्हा बितिसअतिन, उन 14 में से 9 ऊंट साजो सामान के साथ, खाने के साथ लदे हुए सूरज गुरूब होने से पहले पहले आकायदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रवाना कर दिए। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ और 9 ऊंट खाने के लदे हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गए। जब आकायदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, फलम्मा रआ दालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने 9 ऊंट खाने के लदे हुए गुरूब आफ्ताब से पहले पहुंचे हुए जब देखे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुश होते हुए इरशाद फरमाया, मा हादा, ये क्या है? सुभान अल्लाह। फिर आकायदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया ना, तो सहाबी अर्ज करते हैं, उहदिया इलैका उस्मान, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बारगाह में ये हदिया, ये तोहफा भेजा है, आपकी बारगाह में ऊँटों का तोहफा भेजा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी कहते हैं, फअरिफल फरहु फी वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलकाबतु फी वुजूहिल मुनाफिकीन। पहले कैफियत ये थी, मुसलमानों के चेहरे भूख से निढाल थे और मुनाफिकीन के चेहरे चमक रहे थे खुशी से, और जब खाना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया ना, तो सहाबी कहती हैं, हमने आकायदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, पहले चेहरा नूरानी था, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर और ज्यादा बढ़ गया और मुनाफिकीन के चेहरे लटक गए, ये देख करके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाने का इंतजाम फरमा दिया। फिर आकायदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाना पहुंचाया, कद रफा यदैहि, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दिया। लोग कहते हैं खाने पर दुआ नहीं करनी चाहिए, बरकत की दुआ नहीं करनी चाहिए। आकायदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, और किस कदर उठाया, इससे पता चलता है कि दुआ कैसे करनी चाहिए, दुआ के आदाब क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हुए। आकायदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए, तो सहाबा बयान करते हैं कि हाथ उठाने की कैफियत की थी, क्या थी, हत्ता रुईया बियादु इब्तैहि, यहाँ तक के हुजूर अलैहिस्सलाम की बगलों की सफेदी नजर आने लगी। और इसको, इस कैफियत को बयान करने की एक वजह और भी है कि सहाबा यूं बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम हाथ इस कदर बुलंद कर लिया करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बगलों की सफेदी नजर आ जाया करती थी। ये बयान करने का एक मकसद ये है कि कभी किसी की बगलों की खूबसूरती को बयान नहीं किया जाता, क्योंकि वहां खूबसूरती होती नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को वो शान अता फरमाई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बगलों की सफेदी का जिक्र भी सहाबा इकराम ऐसी शान के साथ किया करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बगलों की सफेदी जाहिर हो गई, वो दिखने लगी, और आकायदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दोनों हाथ ही उठाकर दुआ फरमाई, यदउ ली उस्माना दुआन। आकायदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई, वो दुआ कैसी, रावी कहते हैं, मा समितुहु दुआ ली अहदिन कबलहु वला बादहु। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई, और ऐसी दुआ फरमाई कि ना इससे पहले ना इसके बाद कभी हमने किसी के लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसी दुआ करते हुए नहीं देखा जैसी दुआ हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी के लिए की। ऐसी दुआ हजरत उस्मान गनी के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई। तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती वो है कि जिसने दुनिया के अंदर दो मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम से जन्नत को खरीदा है। इस वजह से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुल बिशारतैन, दो मरतबा जन्नत की बिशारत पाने वाले सहाबी का लकब दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत उस्मान गनी
रदी अल्लाह तआला की हकीकी मोहब्बत अता फरमाई और खुलाफाए अरबा की हकीकी मोहब्बत अता फरमाए, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की अहले बैत की हकीकी मोहब्बत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। हम सब का इस महफिल में शरीक होना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वक्त मुख्तसर है, मैं गुजारिश करूँगा हमारे ईशा साहब यहाँ मौजूद हैं, अगर तशरीफ़ लाएँ, इंग्लिश में कुछ तबर्रुक के तौर पर कुछ अल्फाज अगर अता फरमाएँ। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سمري ساتھ دوشی پر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالمي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله you've just listened to a bayan in urdu which was jami and beautiful regarding the shan of one of the greatest personalities of islam sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu we should remember that these personalities These individuals are the key to our success. Without remembering them, we will not succeed. The reality is, our children, ourselves, if you look at our lives, how much time do we actually spend learning about the great history of Islam and these personalities? You open your phone, Now, if I checked all the history of your mobile phone that you use, if I go home and we check the history of the laptop and the PC and iPad that you use, in that I find every single other YouTube channel, every single other thing search that you did, but I will not find very few people there's a search, there is some knowledge about the greatness of Islam and the great people of Islam. This is a reality. For our children, they know all the superheroes which only exist. They're not real. They know all the names. They want to be them. We ourselves are those individuals. We'll go to the shop and we'll buy clothes with the same superheroes' names on and we give to them, say, you are the Hulk. You are He-Man. You are Captain America. All these things. But subhanAllah, no one is giving what the children need in the heart of those individuals, those young people, the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the love of Sahaba Kiram Ridwan, the love of Ahlul Bayt. If you think about it, this masjid, and we're doing Ghiyar Mishir today, is named Gilari Noor Masjid. Why is it called Gilari Noor Masjid? It's because it's connected to Sayyidina Ghawse Azam Dastagheer, who is the wali of all walis, Sultan of Awliya, Badshah of Awliya. How much can we tell me about him? We ask our children, Amongst the elders, they'll have love. And they talk about Ghiyar Mishir. But when you mention Ghiyar Mishir, the first thing that comes to our mind is chawal. Rice. Kanam. Why? Whereas subhanAllah, our master, Ghawse Azam Dastagheer, subhanAllah, spent 40 years of his life, struggled so much, without food and water, to the extent that sometimes he would have to survive in the grass. From a field, you know, to survive, he kept away from food. Till eventually then, darastul ilm hatta sitri kutuban. This is what the Qasida Ghawsiya says. By learning, by making this tarbiyat of knowledge, I became kutub. What is the knowledge for us? Where is the effort for our children when it comes to knowledge? When it comes to ilm? It's not there. Sayyidina Usmani Ghani radiallahu ta'ala anhu subhanAllah. We hear about his haya. Hear about his health. He's mentioned one narration about Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu. They saw the Sayyidina Usman Ghani, his blessed beard was as if he's done wudu. It's wet. It's pouring with fluid on his
blessed be, as if he just had made wudu. But it wasn't the fluid of water. It was the tears from his eyes. Why? Because when Sayyidina Usman al-Ghani used to think about the qabr, the punishment of the grave, death, maut, this is how much he used to cry. And look at us. What are we doing? Where are we heading? What is our purpose? In this masjid, this beautiful masjid we see, you ask yourself a question. In our own, for example, membership of this masjid, there are 800 to 900 people who are members of this masjid. That's 800 individuals or families from our community. Where are they? Gone. Where are they? We need to wake up. We should be welcoming them. We should find any possible way we can get them into the masjid, which is based on the Sharia. Inshallah. Let's do something. Let's do something that's going to encourage those people to come here. And the decoration of the masjid is not how many beautiful lights we put here. It's not the decoration of the masjid. The decoration of the masjid is the people in the masjid. You are the zenith of this masjid. The more you come here, the more better it will be for us. So I'll leave you one specific riwayat of Sayyidina Usman al-Ghani radiallahu ta'ala anhu, so that you can feel the love that you should have for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Once they gave the Prophet sallallahu alayhi wa sallam a dawah to come to their home. When Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is walking in front of the Prophet, and Sayyidina Usman al-Ghani is walking behind. Carefully, Sayyidina Usman al-Ghani are counting the footsteps of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam arrives at Sayyidina Usman al-Ghani's house, they asked him, Usman, what's this? Why did he do this? Sayyidina Usman al-Ghani said, I was counting the footsteps to my house that you make. Every footstep you take, every foot of yours was raised on the ground and you went closer to my home, I counted how many slaves are free for the sake of Allah. This is love of Allah. What sort of jazbah do we have? Do you have the same jazbah when it comes to the deen? We are those people that we want to, and we say we want to be those people who bring our youth and our generation towards Islam. And I say to all elders here, your respect and your love is important to us. Remember, open your hearts to the young people. And the young people, I say to you, without the respect to your parents, without the respect to the elders, you'll not succeed. Never. Come to the masjid. Feel welcome in the masjid. Feel as if, as a hadith of Rasulullah mentions, when in the masjid, there's two ways you can feel. You have like a fish in the sea or bird in a cage. And whenever you notice, جب قبلہ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کیا ہماری سوچ ہوتی ہے وہ ٹینک کے درگے مولوی مائک نہیں چھوڑنے وی تھنک ٹو آورسیلفز وین وی لیو دس از رانگ تھنکنگ وی شوڈ تھینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیٹ وی آر ہیئر ایوری سیکنڈ دے اسپینڈ ہیئر از اے ریوارڈ فار اس اینڈ دس زمین دیٹ وی سٹنگ آن ریمبر دس ول بی اے ویٹنس فار اس آن دی ڈے آف ججمنٹ انشاءاللہ سو دس از مائی میسج ٹو آل آف یو ٹوڈے دس از دی بگننگ وی نیڈ مور We need things in the Urdu language, we need things in the English language, because our young people, they're astray. And I can just give you one example. If you just go outside here, and at certain times you go into the corners of these streets, you see our children, remember I see our children, outside on the streets. And the things they do, and the things that they're doing, is it to say it's their fault? Not completely. Whose responsibility is this? Whose responsibility is this? It's all our responsibility. We need to take something from this. We need to make an effort to make a change. Inshallah. Wa ma alayna illa bil-'ilm. Inshallah.